प्लास्टिक प्रयोगलाई कम गर्न अनि यसबाट हुने हानिबारे सम्झाउँदै यसप्रति मानिसहरूलाई जागरूक तुल्याउने हेतुले महाराष्ट्रका रोहन अगरवाल 10,000 किलोमिटर हिँडेर दार्जिलिङ आइपुगे। रोहन 20 वर्षका युवा हुन्। दार्जिलिङवासीलाई उनको सन्देश उनैको मुखबाट सुनाऊ। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 20 है। तकरीबन 2 साल पहले 25 अगस्त 2020 को वाराणसी की पवित्र धरती से, जब मैं 18 साल का था, वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैं अपनी यात्रा की शुरुआत की। यूपी से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और अभी बंगाल पहुँचा हूँ। बंगाल मेरा 20वां राज्य है। तकरीबन 577 डेज अभी तक हो चुके हैं। तकरीबन ये यात्रा में मैं पैदल या लिफ्ट के माध्यम से ही चलता हूँ। आपको बताते हुए मेरे को हर्ष होगा कि मैं अभी तक 10,000 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा कर चुका हूँ। ये जो मैं यात्रा करता हूँ, इसमें एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि लोगों को प्लास्टिक समझाने के बारे में। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि हर रूप में, हर स्वरूप में आज हर एक इंसान यूज़ करता है, लेकिन आज कितने इंसान प्लास्टिक समझता है, उसकी संख्या बहुत कम है। तो उसके समझाने के लिए मैं यात्रा पर आया हूँ। लोगों को बंद करने के लिए नहीं, कि प्लास्टिक को, क्योंकि प्लास्टिक को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक तकरीबन हर चीज़ में है। तो प्लास्टिक को बंद करना एक बेवकूफ़ी है, लेकिन प्लास्टिक को अपन कम जरूर कर सकते हैं। एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है, उसके समझाने के बारे में मैं यात्रा पर आया हूँ। साथ ही साथ ये जो यात्रा है, ये पुरानी काल में भी लोग करते थे, जिसको देशाटन बोला जाता था, जो गुरुकुल के माध्यम से यात्रा करते थे, जिसमें पैदल चलते थे। और अगर रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लोगों के बारे में समझने, सीखने, अध्ययन करने का कार्य होता था, जिसमें वो एक अच्छे इंसान बनने की राह पे भी चलते थे, साथ ही समाज को कुछ देने के लिए भी यात्रा करते थे। आगे की जो मेरी यात्रा है, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड करते हुए मैं देश के बाहर भी जाऊंगा, मतलब म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाओ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक। आपको मालूम होगा साइबेरिया में एक जगह है जिसका नाम है ओमियाकॉम, जो विश्व की सबसे ठंडी जगह है, जिसका टेम्परेचर होता है -72। इस वजह से आज पूरे विश्व की सबसे ठंडी जगह है। बहुत लोगों के तो दिमाग में कुल्फी भी जम गई सुन के। वहाँ पे जाने वाला मैं अगर पहुँचा तो मैं पहला भारतीय बनूंगा, क्योंकि आज तक कोई भारतीय पूरे लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहाँ तक नहीं गया, इस तरीके से कोई नहीं गया है। साथ ही साथ वहाँ पे मेरे को 3 से 4 साल पहुँचने में लगेंगे। वहाँ पे जब मैं भारत का झंडा, भारत का तिरंगा फहराऊंगा, ये सब भारतीयों के लिए गौरव की, एक शान की बात होंगी कि एक तिरंगा अपना भारत का वहाँ पे भी फहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके नुकसान बताते हैं, क्या अपन कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उस बारे में बताते हैं। खास तौर पर हमारा जो फोकस रहता है, एरिया ऑफ फोकस रहता है, वो होता है स्कूल्स में। स्कूल्स में बताने का उद्देश्य यही है कि स्कूल्स में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं कम समय में और अच्छे तरीके से। तो स्कूली बच्चे सामने वाला फ्यूचर है, सामने वाला फ्यूचर वो ही है। आज जो बूढ़े हो गए वो फ्यूचर नहीं है, लेकिन उनको भी समझाना बहुत जरूरी है। तो हम पब्लिक प्लेसेस पे भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी समझाते हैं, सीएम को, एमएलए, एमपी को भी समझाते हैं। जैसे भी अपना प्रयास होता है समझाने का, एक प्रयास करते हैं। नहीं, जैसे देखिए, हम तो ये यात्रा पे निकले थे, हमारे पास तो पैसा था नहीं, 2,500 रुपये के साथ शुरुआत किए थे, लेकिन फिर यात्रा चलते गई, लोगों ने मदद करते गया। अभी हाल ही हाल में थोड़े बहुत महीनों से मेरे को ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि ज़्यादा फेमस हो गया और ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा काम भी हम ज़्यादा कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा बीच में से। तो हमको अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, JCI सब मदद कर, राउंड टेबल इंडिया भी मेरी मदद कर रहा है, अलग संस्था, अलग लोग, संस्था भी नहीं, लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी मदद करते हैं। जिनको लगता है कि मेरा काम सराहनीय है, वो कोई भी 5,000, 10,000, 1,000 जो भी उनको लगता है, उनके हिसाब से उनको जो सही लगता है वो देते हैं। क्योंकि पैसे तो लगते हैं, खाने के लिए तो पैसे लगेंगे, पैदल चलते तो नहीं लगता है, लेकिन खाने के लिए तो लगता है ना। अब हर जगह पे लोग तो ना मिलते हैं, गाँव में जाएंगे, जंगल में जाएंगे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे दुकान मिल जाती है, थोड़े पैसे से खाना मिल जाता है। तो वैसे आनंद विले, द ऑरा ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। Siliguri's largest residential community, this fantastic apartment is perfect for the outdoorsy nature lover. Features include an expanse of 6.7 acres with open sky. The life open in central green areas offers ample opportunity to sunbathe or meditate on. 700 meters jogging track, swimming pool, qualitative aspect of the projects, like with inside outside natural light and ventilation. Enjoy Nature Club, 25,000 square feet clubhouse, digital classroom, community hall, commercial space, all age groups, gym, the safe private cafe, theater room, perfect for bird watchers, bookworm or fitness enthusiasts.
reviewing the apartments, 769 apartments in different sizes, 350 apartments, 2 to 3 spacious bedrooms, including visitors, car park, electric car charge, firefighting system, 24/7 water supply, daily shop. More precisely, with the earthquake resistance RCC frame structure built with very high quality material. The perfect blend of safety, peace, fun and dream come true. The blessing of Anand Ville is easy access to all point in Siliguri, be it hospitals, groceries, best schools and more. Let us feel the home harmony and happiness, an unmatchable lifestyle. The future is in your hand. Get it before you regret it. Contact 977-56-22-000, 973-50-22-000. Address beside 7 Kingdom Hillcart Road, Dagapur, Siliguri, West Bengal.